हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहन लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। अज दी पहली वड्डी खबर, 15 जुलाई तों इन्हां शर्तां नाल खुल जाणगे स्कूल। तां दोस्तों, कोरोना वायरस दा पसार रोकण लई देश भर च लगे लॉकडाउन कारण बंद स्कूल 15 जुलाई तो बाद खुल सकते हैं। मनुक्की स्रोत विकास मंत्रालय स्कूलों च पढ़ाई लिए गाइडलाइनस तैयार कर रहा है, जल्द ही हो सकदियां ने। सूत्रों मुताबक इन्हां दिनों दे विच 33% जां 50% बच्चे ही स्कूल जा सकणगे। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर हाथ धोण की सुविधा, टॉयलेट ते पीण वाले पानी का प्रबंध वधाउणा पै सकदा। मन्निया जा रहा है कि 50% विद्यार्थियों का फार्मूला लागू करन वाले स्कूलों च विद्यार्थी हफ्ते च 3-33% का फार्मूला लागू करने वाले स्कूलों हफ्ते च 2 दिन ही स्कूल जाएंगे, बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ाई होगी। कोरोना वायरस की स्थिति के आधार पर जून के अंतम हफ्ते च गाइडलाइन स्कूलों ते सोशल डिस्टेंसिंग ते सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के जनरल सैकटरी भरत अरोड़ा ने कहा कि गाइडलाइन मिलद्या ही वह SOP तैयार कर लेंगे। इस तो अलावा स्कूल खोलण के पहले 2 हफ्ते तक टीचिंग अते नॉन टीचिंग स्टाफ नूं सोशल डिस्टेंसिंग अते सैनिटाइजेशन की ट्रेनिंग दिती जाएगी। बच्चों भी स्कूल च ध्यान रखने वाली गल्लां की ट्रेनिंग दिती जाएगी। अगली खबर, रेलवे विच बुकिंग शुरू हुंदिया ही बिक गई 4 लाख तो वध टिकटां। कल तो CCS काउंटर ते बुकिंग शुरू। तो दोस्तों, रेलवे ने 1 जून तो देश भर में 100 होर रेल गड्डियां चलाउण दा फैसला किया। इस समय देश भर में फसे लोगों को कढ़न की इन्नी बेचैनी है कि IRCTC ते रिजर्वेशन शुरू हुंदिया ही कुछ घंटिया विच 4 लाख तो वध टिकटां बिक गई। इस दौरान रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों विच कुछ होर रेल गड्डियां चलाईया जाणगियां ते इस दे नाल ही रेलवे स्टेशनां ते काउंटरां ते बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। देश भर के करोड़ों रेलवे यात्रियों लिए यह बहुत खुशी की खबर है। अगली खबर, कोरोना के कहर च प्राइवेट स्कूलों ने वधाई फीस, सड़कों तो लैके हाई कोर्ट तक डटे मापे। तो दोस्तों, सैक्टर 44C के एक प्राइवेट स्कूल बाहर फीस च वाधे नूं लैके मापियां वल्लों मैनेजमेंट खिलाफ़ जबरदस्त रोस प्रदर्शन किया गया। मापियां की शिकायत है कि स्कूल वल्लों लॉकडाउन दौरान कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं लाई गई, इसलिए जेकर क्लास नहीं लगी तो फीस क्यों जमा करवाइए। अगली खबर, पंजाब नूं कोरोना तो वड्डी राहत, 2107 चों 1800 मरीज़ होए ठीक। तो दोस्तों, पंजाब विच कोरोना के मरीज़ तेजी नाल ठीक हो रहे हैं। 6 होर मरीजों की रिपोर्ट नैगेटिव आने तो बाद उन्होंने घर भेज दिता गया। सूबे में हुण तक 2107 मरीजों चों 118 मरीज ठीक हो चुके हैं, जानी कि 85.42% करोना मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। अगली खबर, हरियाणा के कुछ पिंडों झोना लाने पर पाबंदी, दुष्यंत चौटाला। तो दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में धरती हेठले डिगदे पानी के पद्धर मद्देनज़र कुछ पिंडों में झोना लाने पर पाबंदी लाई गई है। झोने की बादल वाली फसल बीजन वाले किसानों को सरकार वालों 7000 रुपये मुहैया करवाए जाएंगे ते बदलवी फसल के खरीदने के इंतजाम भी किए जाएंगे। अगली खबर, पंजाब विच हुण करोना के रूल तोड़े तो होणगे चलान, खबर देखो सरकार के नवे हुक्म। तो दोस्तों, पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई विभाग वालों जारी नवे नोटिफिकेशन मुताबक हुण करोना के रूल तोड़न ते चलान किए जाएंगे, जिस मुताबक एकांतवास तोड़न ते 500 रुपए, कोई मास्क ना पाउण ते 200 रुपए अते किते भी थुक्कण ते 100 रुपए जुर्माना होगा। जारी पत्र विच दस्या गया कि जिहड़ा व्यक्ति करोना नूं लैके सावधानियां नहीं वरतेगा तां हुण उस नूं जुर्माना देना पवेगा। अगली खबर, पंजाब दे प्राइवेट स्कूल लै सकणगे 70% फीस हाई कोर्ट। तां दोस्तों, बुधवार नूं ही सिक्ख्या मंत्री ने अपने फेसबुक लाइव दौरान मापियां नूं भरोसा दिता सी कि उन्होंने सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करवाउणी है। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसीएशन चंडीगढ़ की पंजाब सरकार के ऑर्डर खिलाफ़ रिट पटीशन से हुई सुनवाई में कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम फैसला सुनाउंदिया कहा कि स्कूल मापियां तो कुल फीस का 70% लै सकते हैं। अगली खबर, लॉकडाउन दौरान सोमवार तो शनिवार तक खुलणगे सैलून, जिला मैजिस्ट्रेट। तो दोस्तों, मानसा कोरोना महामारी के मद्देनज़र व्यापार और अर्थव्यवस्था को सुधारने लिए लॉकडाउन समय दौरान निश्चित दिनों में कारोबार जरूरी गतिविधियां ते आवाजाई में सवेरे 7 बजे तो 6 बजे तक दित्तियां गईयां छोटां दी लगातारता में जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर मानसा
श्री गुरपाल सिंह चहल द्वारा जिले के नॉन कंटेनमेंट जोन अंदर नाइया दी दुकाना ते सैलून खोलण की आग्या दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट ने दस्या कि नाइया दी दुकाना ते सैलून लॉकडाउन के समय अनुसार 7 बजे तो 6 बजे तक सोमवार तो लैके शनिवार तक खोले जा सकनगे। उन्होंने ही दुकानदारों को हिदायत की कि भारत सरकार ते पंजाब सरकार वालों कोरोना महामारी के फैलाव रोकने लई समय समय से हिदायत जारी की गई हैं, उन्होंने पालना करनी होगी। अगली खबर, रेलवे का फैसला, भलके तो स्टेशन काउंटर से भी बुक की जाएगी रिजर्वेशन टिकटा। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लागू है, हालांकि हुण हौली हौली इस विच ढिल दिती जा रही है। लाग के कारण फैलन नूं रोकण लई रेलवे ने स्टेशन ते काउंटर ते टिकटां दी बुकिंग दी सहूलत भी बंद कर दिती सी। जिहड़ियां रेल गड्डियां हुण चल रही ने उन्हां लई यात्रियों नूं टिकट ऑनलाइन बुक करनी पवेगी, पर हुण रेलवे ने फैसला लिया कि काउंटर तों भी टिकट बुक की जा सकेगी। यात्री शुक्रवार तो रेलवे स्टेशन ते काउंटर ते राखवें कारण कर सकनगे। रेलवे का यह बयान अनुसार राखवी यात्री अपन स्टेशन रेलवे अहाते काउंटर तो टिकट बुक कर सकनगे। टिकटों की बुकिंग दौरान जोनल रेलवे समाजिक दूरी लिए जिम्मेवार होगा। तो दोस्तों, ये अज सवेर दुख खबर, तो वीडियो अपने दोस्तों मित्रों अगे शेयर जरूर कर दिया करो, तो साढ़े नाल जुड़े रहने चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो बने घंटी भी दबा दौ, जिस नाल इस तरह दिन वाली सारिया नवी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो दे विच किसी होर नवी अपडेट के नाल। तद तक लई धन्यवाद।